Hello everyone, welcome to Kids Learning Buddy, your own learning buddy. So mommies, आज का हमारा वीडियो होगा greater than, less than and equal to. ये कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादातर अपर के जी में जो है पढ़ाया जाता है एंड मोस्टली when the child is able to count and recognize a number, उसके बाद ही ये टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस जो है किया जाता है. ग्रेटर देन एंड लेस देन आप अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं या कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. ग्रेटर देन एंड लेस देन का जो कॉन्सेप्ट है आजकल बच्चों को एलिगेटर माउथ ओपनिंग के बेसिस पे जो है सिखाया जाता है. इसका बेसिकली सिंपल वे में कहे तो एलिगेटर माउथ उस तरफ खुलेगा जहाँ बड़ा नंबर या ज़्यादा चीज़ें होंगी. जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास 3 डिफरेंट पिक्चर्स है एलिगेटर माउथ की. द फर्स्ट पिक्चर बीइंग ऑफ ग्रेटर देन, दैट मींस अगर एलिगेटर का माउथ इस तरफ खुल रहा है तो वो बनता है एक ग्रेटर देन सिंबल लाइक दिस. दिस इज द एलिगेटर माउथ. और अगर इस तरफ ज़्यादा चीज़ें हैं या इस तरफ बड़ा नंबर है और एलिगेटर हमेशा जैसे हमने समझा कि जहाँ ज़्यादा बड़ा नंबर होता है या ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो वही चीज़ें जो है खाता है, तो उसी तरफ वो अपना मुंह जो है वो ओपन करेगा, वो खोलेगा. तो इस तरफ जब भी ज़्यादा चीज़ें होंगी और एलिगेटर अपना माउथ ओपन करेगा खाने के लिए तो वो एक ग्रेटर देन सिंबल जो है अपने मुंह से बनाएगा लाइक दिस. सो दिस बिकम्स आवर ग्रेटर देन सिंबल. नाउ नेक्स्ट इज लेस देन सिंबल. लेस देन सिंबल में एलिगेटर माउथ का माउथ हमेशा जो है इस तरफ खुलेगा. अगर आपके बच्चे को राइट और लेफ्ट समझ में आता है तो आप उनको ऐसे भी समझा सकते हैं कि ग्रेटर देन का मतलब है एलिगेटर का माउथ हमेशा जो है लेफ्ट साइड खुलेगा और लेस देन में एलिगेटर का माउथ जो है हमेशा राइट साइड खुलेगा. अदरवाइज आपको उनको जो है पोजीशन दिखा के ही समझाना पड़ेगा कि कौन सा ग्रेटर देन है. तो एलिगेटर का माउथ उस साइड खुलेगा और अगर लेस देन है तो एलिगेटर का माउथ इस साइड खुलेगा. अगर आपके बच्चों को राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो आप इस तरीके से पोजीशन करके ही, अपने हैंड पोजीशन करके ही उनको समझा सकते हैं. और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो एलिगेटर का माउथ जो है एक स्माइलिंग ग्रिनिंग पोजीशन में स्माइल करता हुआ ही लाइक दिस, इट विल बी स्ट्रेट. लेट अस अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. You can explain this concept with the help of some manipulatives. I have here taken blocks. First, always tell your child to count, क्योंकि अब तक उन्होंने जो counting है वो सीख ली होगी. So here I have how many blocks? This side I have 4 blocks. How many blocks I have? I have 4 blocks. And this side I have how many blocks? I have 2 blocks. So I will place 2. And now, जैसे कि हमने सीखा है, to find out which is greater than and which is less than, alligator mouth will always open towards the bigger number. या फिर आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी एलिगेटर का माउथ वहीं पे खुलेगा ज़्यादा चीज़ों को खाने के लिए. सो हेयर इज़ 4 एंड हेयर इज़ 2. अगर बड़ा छोटे से आपको आपके बच्चे जो हैं समझ सकते हैं तो बड़ा नंबर 4 है, छोटा नंबर 2 है, तो एलिगेटर का माउथ जो है
वो यहाँ पे खुलेगा टू ईट बिगर नंबर दैट इज फोर. अगर स्मॉल और बिग नंबर का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो मोर एंड लेस से भी आप उनको समझा सकते हैं. यहाँ पे फोर ब्लॉक्स हैं तो ये मोर है, यहाँ पे टू ब्लॉक्स है तो ये कम है. और एलिगेटर हमेशा ज़्यादा चीज़ें जो है वो खाता है, तो खाने के लिए वो अपना मुंह कहाँ किस तरफ खोलेगा, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी. सो एलिगेटर माउथ विल ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स अ बिगर नंबर और टू अ प्लेस विच हैव मोर थिंग्स. सो इट विल ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लाइक दिस, हैंस मेकिंग अ ग्रेटर दैन सिंबल लाइक दिस. दिस इज अ ग्रेटर दैन सिंबल. तो ऐसा आपका जो आपके जो बच्चे हैं ऐसे एक लाइन डाल के लाइक एन ओपन माउथ ऑफ एन एलिगेटर लाइक अ वी, अ स्लांटिंग वी, दे कैन मेक लाइक दिस. दैट एलिगेटर माउथ विल ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स अ बिगर नंबर और इट विल ऑलवेज ईट अ बिगर नंबर. सो ये बन जाता है हमारा ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट. And this is the example for explaining the less than concept. Here I have two blocks. I have counted and placed number two. Here I have five blocks. I have placed number five. Now as per our rule, हमें पता है कि alligator का mouth हमेशा उस तरफ खुलेगा जहाँ बड़ा number हो या चीज़ें ज़्यादा हो. Alligator will always open its mouth or always eat those things which are more in number. So here we know that 5 is more than 2, 5 is bigger than 2. So alligator ka mouth is taraf khulega towards the right hand side to eat all the things, to eat a bigger number. It will always making a sign like this. So like this, you can explain the concept of less than to your child. Greater than means like this. It means like this. It will always open towards this side. Less than, it will always open towards this side. And this is the next to explain equals to. It is very easy. That means this side and this side both have same number of things, both have the same number. So 3 and 3 both are same. That means we will put one equals to sign, two lines. We can further understand it with the help of one simple question worksheet. मैंने एक बहुत ही इजी क्वेश्चनर बनाया है फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड. हेयर दे हैव टू काउंट एंड राइट एंड ऑल्सो पुट द सिंबल्स. फर्स्ट दे हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स. हेयर इट्स 4. हेयर इट्स 2. एंड एज पर आवर लर्निंग जो हमने सीखा है, एलिगेटर का माउथ हमेशा एक बिगर नंबर को खाएगा या फिर हमेशा ज़्यादा चीज़ें जो हैं खाएगा. सो 4 इज़ अ बिगर नंबर दैन 2 एंड ऑल्सो 4 इज़ मोर दैन 2. तो एलिगेटर का माउथ इस तरफ खुलेगा ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए या बड़ा नंबर खाने के लिए, टू ईट अ बिगर नंबर और टू ईट द थिंग्स विच आर मोर इन नंबर. इट विल ओपन टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड दस मेकिंग अ सिंबल लाइक दिस. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर वी हैव 7 फिशेस एंड हेयर ऑल्सो वी हैव 7 फिशेस. दस both the sides are equal, both the sides have same number of fishes, making an equal to sign. So 7 equals 7. 4 is greater than 2.
आप साथ साथ में उनको लिखने के साथ साथ प्रोनाउंस भी करवाइए, बोलना भी सिखाइए, तो सो दैट दे गेट फेमिलियर विद द साइन ग्रेटर देन. फोर इज ग्रेटर देन टू. एंड फॉर द लास्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर फोर बॉल्स एंड हेयर वी हैव सिक्स बॉल्स. एंड एज पर आवर लर्निंग जो हमने सीखा है, एलिगेटर का माउथ हमेशा एक बड़े नंबर के तरफ खुलेगा, वो हमेशा वही चीज़ें खाएगा जो कि ज़्यादा मात्रा में हैं. ही द एलिगेटर विल ओपन इट्स माउथ और ईट दोज थिंग्स विच आर मोर इन नंबर और इट विल ऑलवेज ईट अ बिगर नंबर. सो हेयर बिगर नंबर इज सिक्स. सो एलिगेटर माउथ विल ओपन टूवर्ड्स दिस साइड द राइट हैंड साइड, thus making a symbol like this. So, but उसको हम बोलेंगे कैसे? Four is less than six. We will not say the other way. We will say four is less than six. क्योंकि alligator का mouth या sign जो है वो इस तरफ है, तो ये less than का symbol है. तो सेंटेंस बोलने में हम ऐसे बोलेंगे दैट फोर इज लेस देन सिक्स. हेयर फोर इज ग्रेटर देन टू बिकॉज माउथ इज ओपनिंग टूवर्ड्स दिस साइड, दिस साइड लाइक दिस. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा. आप ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं. पहले हमेशा छोटे नंबरों से स्टार्ट कीजिए और हमेशा ट्राई टू गिव विद अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. व्हेन देयर बेसिक्स गेट्स क्लियर इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तब आप उनको सिर्फ नंबर्स वाले क्वेश्चंस देना स्टार्ट करिए. पहले से ही बिना पिक्चर्स के नंबर क्वेश्चंस आप उन्हें मत दीजिए. सबसे पहले पिक्चर की मदद से उन्हें जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाइए ग्रेटर देन एंड लेस देन के, या फिर जो मैंने पहले दिखाया था विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेटिव्स वैसे भी आप करवा सकते हैं. जब उन सब में बेसिक्स क्लियर हो जाए तब आप सिर्फ नंबर्स दे के जो है उनको साइन डालने के लिए आप क्वेश्चंस वैसे दे सकते हैं. बट पहले ही सिर्फ नंबर्स पे आप स्किप मत कीजिए. फर्स्ट ऑलवेज गो विद द ईजी थिंग एंड व्हेन द कॉन्सेप्ट्स गेट clear here and they get mastered here, then you can switch to the little more difficult part. I hope ye aapko video helpful raha hoga and I wish you all the best and happy learning.